दोस्तों पिलर पिलर लाया है, हम गिरा दे रहा है। देखिए अभी वहाँ पे ढलाई होगा, पूरा कंक्रीट ढलाई होगा, छत की तरह पूरा ढालते हैं पहले, उसके बाद छड़ वगैरह डाल के सब कॉलम वगैरह का काम होता है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अभी चलना है अभी ड्यूटी, अभी खाना पका रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों खाना पक रहा है हमारा, ये देखिए चावल चढ़ा दिए हैं, इसी के अंदर जो पानी डाले हैं इसी के अंदर ये पानी सूख जाता है अरवा चावल जैसा, ये देखिए तो अभी बना ले रहे हैं, उसके बाद खाएंगे, खा के जाएंगे अभी ड्यूटी। देख सकते हैं रूम, देखिए हर ये बनाए हैं बोरा डाल के, देख सकते हैं बोरा हम अच्छा से बांध दिए हैं तरफ तरफ से तार से, और बहुत ठंडा रहता है, फ्रिज जैसा पानी जैसा रहता है वैसा ठंडा रहता है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग खाना बनाएंगे और अभी चलेंगे खाना खा के ड्यूटी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं अभी रूम से साइड पर, क्योंकि 9:30 बज रहा है दोस्तों, अभी गाड़ी आने वाला है 10 बजे बाद। चलिए हम लोग अभी यहाँ थोड़ा साइड का नज़ारा दिखा देते हैं क्या क्या काम हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों इधर बिल्डिंग के बनने के लिए इधर छड़ वगैरह सब गिरा हुआ है, देख सकते हैं इधर, ये देखिए अभी मोटर लगा रहे हैं भैया, चूँकि पानी है ज़्यादा अभी लिफ्ट का गड्ढा मारना है उधर नीचे तरफ। तो इधर क्या है अभी देख सकते हैं, मोटर में पूरा पानी भरा हुआ है, तो अभी मोटर अभी देखिए जोड़ ले रहे हैं, ये देखिए सेक्शन से ये पूरा पाइप बना है, पाइप नहीं है इसका सेक्शन ही है पूरा, वहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। और उधर ही हम लोग का मशीन खड़ा है, आप लोग देख सकते हैं एक टाटा इधर खड़ा है और उसके पीछे तरफ अपना मशीन PC 200, एक में ब्रेकर लगा है एक में ब्रैकेट लगा हुआ है, और साइड का कटिंग किधर और थोड़ा बहुत बचा हुआ है वही चल रहा, बाकी फाइनल हो गया है। अभी ये रैंप के अंदर ये एक लिफ्ट का गड्ढा भी मारना है, तो रैंप उधर क्लियर होने के बाद भी ये रैंप थोड़ा उठाना पड़ेगा और वहाँ गड्ढा करना पड़ेगा, 5-6 फीट का गड्ढा रहता है करीब 6x6 का, ये देख सकते हैं। और इधर बिल्डिंग वगैरह बनने के लिए स्टार्ट हो गया है, कॉलम वगैरह देख सकते हैं, और कॉलम नहीं ये पूरा दीवार जैसा ही पूरा सीमेंट का ही उठा रहा है, देख सकते हैं साइड साइड का, चूँकि अंदर का पानी का परकुलेशन होता है इसके वजह से, ये देखिए दोस्तों। और उधर साहब वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत सेफ्टी से काम होता है, नज़रों पे नज़र पूरा टिकाए टिकाए, कहाँ साहब रहता है खुद से देखता है, लेबरों पर उतना विश्वास नहीं करता है, वो खुद से देखता है, और होना भी चाहिए चूँकि शहरों में जो बिल्डिंग बनता है वो बहुत ही हरीके से और मजबूती से बनता है, और थोड़ा भी मिस्टेक हो जाएगा तो कितना, ये देखिए और ये देख सकते हैं हौदा जैसा लोखंड का बनाया हुआ है पानी रखने के लिए, देखिए मोटर से पानी नीचे डाल रहे हैं, पूरा जो कंपाउंड बनता है ये देखिए सीमेंट वाला जो हम लोग चौकी वगैरह में डालते हैं पलंग वगैरह के नीचे पैर में, तो ये देख सकते हैं वही बनता है ब्लॉक, डाल के यहाँ ब्लॉक में अभी ब्लॉक को इधर पानी में डाल देते हैं क्योंकि फटे ना। चलिए दोस्तों गाड़ी आता है तब तक हम लोग ऑयल पानी भी चेक कर लेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग ऑयल पानी तो चेक कर लिया, मशीन इधर ही लगा दिए, तो दोस्तों आज हमको ब्रेकर भी चलाना पड़ेगा और बकेट भी चलाना पड़ेगा, तो अभी गाड़ी नहीं आई है तब तक ब्रेकर मारना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कितना कीचड़ हो गया, दो चार दिन से पूरा पानी हो रहा था और पूरा कीचड़ भर गया, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी टाटा चलाने वाले हैं ब्रेकर, टाटा में लगा हुआ ब्रेकर, इसमें आया अभी ऑयल पानी चेक करके भी इसको स्टार्ट करते हैं, उधर थोड़ा ब्रेकर करना है, और ये देखिए कैसा हाल हो गया, ये देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी देख सकते हैं कि मौसम ये पूरा बादल छा गया, आप लोग देख सकते हैं अभी समय 4:30 बज रहा है, अरे देखिए कैसा पूरा काला करने जैसा करने लगा है, अरे देखिए इधर JCB आया है काम पे, इधर से देखिए सेफ्टी वाला इधर जो हेलमेट वगैरह नहीं पहना वो हमेशा बोल रहा है कि पहनो, ये देखिए, और इधर मेजरमेंट भी चल रहा है इधर लेवलिंग का, ये देख सकते हैं, और टाटा मशीन उधर खड़ा कर दी है, ये देखिए मेजरमेंट चल रहा है, ये देखिए इधर होल वगैरह भी मरा रहा है, तो देख सकते हैं पूरा आखिरी में प्रोसेस काम में है, आखिरी अब थोड़ा बचा हुआ है नीचे का 1.5 फुट का कटिंग का है, देख सकते हैं जहाँ जहाँ नहीं निकल रहा वहाँ होल मरा रहा है। ये देखिए दोस्तों इधर ट्रैक्टर लगा हुआ है, आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है ट्रैक्टर का, उधर होल मार रहा है उसका भी, वो साइड साइड का जो देख सकते हैं साइड साइड का हार्ड है इसके वाला नहीं निकल रहा वो होल मार रहा है, और उधर ये देखिए एक तरफ से ये देखिए आधा में इधर अपना लेवलिंग का काम चल रहा है और आधा उधर कॉन्क्रीट वगैरह हो रहा है, देख सकते हैं साहब वगैरह इधर ये पूरा, ये देखिए, और इधर मिलर भी अंदर घुसा दिया, और ये देखिए कैसा उधर से मिल के आता है मसाला बन के आता है
सीमेंट और इधर लेवलिंग का काम चालू, आप लोग देख सकते हैं पूरा लेवल देख देख के ढलाई करता है और कटिंग वगैरह उधर भी ढलाई होता है। देखिए सेफ्टी उफ्टी अपना मशीन इधर ही चल रहा है। ये देखिए दोस्तों पिलर पिलर लाया है, हम गिरा दे रहा है। देखिए अभी वहाँ पे ढलाई होगा, पूरा कंक्रीट ढलाई होगा, छत की तरह पूरा ढालते हैं पहले, उसके बाद छड़ वगैरह डाल के सब कॉलम वगैरह का काम होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए अरे जमीन लेवल से कितना ऊंचा है आप देख सकते हैं नीचे है। ये देखिए कितना नीचे आप लोग देख सकते हैं, 20 फुट नीचे है। ये देखिए ऐसा ही पूरा करके वो जैसे पीछे तरफ ढलाई हुआ है वैसा ही इधर भी ढलाई होगा पिलर तरफ, पर इधर भी, लेकिन इधर काम नहीं चालू है। ये देखिए सेफ्टी वाला, दोस्तों हीलर में भी ये पूरा बोरा बांध दिया है ठंडा रहने के लिए, ने जो मटेरियल सीमेंट रहता है वो बीच में क्या है उसमें पकड़ लेता है तुरंत, क्योंकि केमिकल रहता है इसमें ज़्यादा यूज होता है इसकी वजह से। ये देखिए रिवर्स करके भी अंदर पीछे ले रहे हैं अभी, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए पीछे ले रहे हैं अभी और उधर अभी पूरा कैसा ढलाई होगा, ये देखिए एक मिरर ये दूसरा मिरर लाया है डाल रहा अभी, ये देखिए लगाया। अरे भाई पूरा 6, 9, 12, 13, 14 कभी कोई गारंटी नहीं है क्या है, कभी आप 12, 10 इंच, 15। ये देखिए दोस्तों कैसा गिर रहा है, ऐसा ही करके पूरा भी ढाले। ये देखिए कितना रनिंग से गिर रहा है, ये देखिए पूरा इतना मोटा ढलाई होता है इधर, सब इधर कॉलम वगैरह का काम होता है। दोस्तों आओ भी हम लोग उधर से लाए हैं और पानी वगैरह भी पीने वाला लाए हैं उधर कॉर्पोरेशन वगैरह का पानी, तो देख रहे हैं बारिश भी हुआ, थोड़ा भींग भी गए हैं आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बाल भी भींग गया दोस्तों। क्या है अभी जो मौसम ख़राब चल रहा है, थोड़ा सा भींगने से क्या सर्दी खांसी तबीयत थोड़ा डाउन हो जा रहा है, इसकी वजह से अभी थोड़ा फिर भी भींग गए। और देखिए कितना बारिश हो गई है देख सकते हैं, पूरा गीला है गीला, आज भी बारिश हुआ 3-4 दिन से, कल उतना नहीं हुआ था लेकिन 3 दिन लगातार हुआ था आप लोग देख सकते हैं, एक कॉलोनी के अंदर पूरा बारिश है। ये देखिए तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।